दोस्तों, अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार किंग्समीड के मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम को खदेड़ने के लिए भारतीय कप्तान ने जीत लिया है। टॉस हो चुका है, दोपहर से ही मुकाबला शुरू। आखिरकार टीम इंडिया के लिए जड़ दिया है किसने शतक? अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं कितने रन पर नाबाद, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव खाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम पहला T20 मैच जीतने में कामयाब होगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैच की T20 सीरीज का शुभ आरंभ हो चुका है। और दोस्तों, इस पहले T20 मुकाबले को जीतने का सपना कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजो रखा है। वहीं हम आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए इस बार साउथ अफ्रीका में जाकर मुकाबलों को जीतना इतना भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम के अगर अभी हाल फिलहाल की आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो इन्होंने अपने ही घर में 11 मुकाबले खेले हैं। और दोस्तों, 11 में से 9 मुकाबले साउथ अफ्रीका की टीम जीतने में कामयाब हुई है। और दोस्तों, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमें भी शामिल हैं जो कि साउथ अफ्रीका में जाकर T20 मुकाबले खेलकर आई थी, और दोस्तों उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को इस बार पूरी कोशिश करनी होगी कि वो अपने दम पर मैच जितवाएं। तो वहीं हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम के आगे हमारी टीम का प्रदर्शन हमेशा T20 में थोड़ा फीका ही नजर आता है, लेकिन टीम इंडिया में इस बार रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो कि मुकाबले को कभी भी पलटना बखूबी जानते हैं। और अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच अभी लाइव अपनी टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। और अगर आपको मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में यह मुकाबला देख पाओगे। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों यहां पर भारतीय टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा करेंगे। और दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद होगी कि भारत के लिए शतक जड़कर एक अच्छी शुरुआत दिलवाएं। और अगर यहाँ अभिषेक शर्मा जिस लय में अभी चल रहे हैं और शतक लगाने का वो दम भी रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो आइए पहले आपको हम भारत की प्लेइंग 11 टीम बताते हैं, जहाँ भारत के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को उतारा है। तो वहीं दोस्तों फिर तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव ने खुद का नाम रखा है, चौथे नंबर पर तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है, तो वहीं पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या जो कि टीम के उपकप्तान है वो खेलते हुए नजर आएंगे, छठे नंबर पर हम सभी को भारत की तरफ से अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। तो वहीं दोस्तों बात करें सातवें नंबर के खिलाड़ी के बारे में तो दोस्तों सातवें नंबर पर रिंकू सिंह हम सभी को भारत की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए अब गेंदबाजों के बारे में तो दोस्तों यहां पर गेंदबाजी का जो चयन है वो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को ध्यान में रखते हुए लिया है, जहां उनका मानना यह है कि स्पिनर गेंदबाज किंग्स मीड के मैदान पर काफी कारगर साबित होंगे और यही हमारे लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रवि विश्नोई को रखा है आठवें नंबर पर, तो वहीं टीम का हिस्सा अर्शदीप सिंह भी बने हुए हैं, वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है और यश दयाल टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि उतर रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराने के लिए। बाकी दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम यह पहला T20 मैच जीतने में कामयाब होगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।